many people also say this ki aap 5 years cm longest serving bjp chief minister second youngest chief minister now dcm they see it as a come down you didn't want to be part of the government how did that happen wo kaise hua dekhiye aap आप कहते हैं कि कुछ लोग दखल नहीं करते हैं तो क्या उन्होंने दखल ना, किया ना, ना, मैं आपको बताता हूँ देखिए ऐसा है कि आप आपके चैनल में सीनियर एडिटर भी है कभी एंकर भी बन जाते हैं कभी स्पोर्ट्स शो भी होस्ट कर देते हैं जी कभी रात का दस बजे का शो तो आपका बहुत पॉपुलर है वो भी आप उसको होस्ट करते हैं तो एक टीम होती है हम टीम बीजेपी के कार्यकर्ता है तो टीम बीजेपी में जो जिम्मेदारी मिले देखिए हम ऐसे ऑलराउंडर है कि हमको नाइट वॉचमैन करके भी भेजोगे तो सेंचुरी मारेंगे <laughs> बिना सेंचुरी मारे वापस नहीं आएंगे तो टीम बीजेपी को आवश्यकता है हमारे नेताओं ने कह दिया कि भाई आपको सरकार में जाना है और डिप्टी सीएम बनाए तब तक यह बात जरूर है कि मैं एक मान रहा था कि मैं बाहर रहकर काम करूंगा लेकिन जब पार्टी ने कह दिया तो चला गया अब चला गया तो जुड़ गया लग गया लग अब करके दिखाऊंगा पर आपको मन नहीं खटका थोड़ा कि क्यों ऐसा सब करने को कह रहे हैं थोड़ा कुछ देर के लिए आपको लगा हो बाद भले आपने कहा कि चलिए जो कहेंगे करेंगे देखिए पहली बार तो यह है कि एकनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे ये बात तो मुझे पहले से पता थी ये तय थी क्योंकि इसको तय करने वाले जो लोग थे उसमें से एक मैं था प्रपोजल ही ओरिजिनली मेरा था और पार्टी से मैंने बातचीत की थी और पार्टी ने उसको मान्यता दी थी तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं हाँ उस समय मैं ये मानता था कि मैं बाहर रह के काम करूंगा तो पार्टी ने मुझे यह कहा कि बाहर रह के सरकार नहीं चलती है और पार्टी ने बहुत सटीक बात कही उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम नहीं तैयार करना चाहते आ, जैसा आ, नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए तो इसलिए हमको यह लगता है कि सरकार को ताकत देने के लिए आपने सरकार में जाना चाहिए तो मैंने कहा ठीक है जो पार्टी कहेगी देखिए मैं मुख्यमंत्री क्यों बना पार्टी ने बनाया इसलिए बनाना करेक्ट तो देवेंद्र फडणवीस इस नाम को वैल्यू क्यों है वो वैल्यू केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया तो फिर वही पार्टी या वही नेता जिन्होंने मुझे, मुझे मुख्यमंत्री बनाया वो कहते हैं कि पार्टी के हित में आपको उप मुख्यमंत्री बनना है तो ये तो मेरा सम्मान है वो तो ये भी मुझे कह सकते कि भाई आपने बहुत कर लिया घर चले जाओ तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ ये कहा कि आप संभाल सकते हो आप जाओ तो मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ पांच मिनट ये मेरे मन पे बोझ जरूर था और इसलिए था क्योंकि मैं अनाउंस कर चुका था कि मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा बोझ था लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यह हमारे लिए एक देखिए किसी को पसंद नहीं आएगा शब्द लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ईश्वर का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी जैसे नेता हमको मिले कि जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा बनाते हैं और जिस प्रकार से इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से चार शब्दों में चार अल्फाजों में एक्सप्लेन कर दिया मुझे लगता है कि उसके बाद यह सवाल खत्म हो गया कि देवेंद्र फडणवीस क्यों उप मुख्यमंत्री बना